तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं छिंदवाड़ा। तो हमारी जो ट्रेन थी वो होने वाली थी 9:20 पे, बट कुछ इशू की वजह से हमारी ट्रेन हो गई है लेट, तो 10:30 बजे पहुँचेगी। तो यार वेट कर करके तो बड़ा टाइम हो गया है, पता नहीं कितनी सारी ट्रेनें आ रही हैं। तो फाइनली हमारी ट्रेन एक ही नंबर पे आ रही है। हम लोग बहुत देर से देख रहे थे, उसको प्लेटफॉर्म नहीं बता रहा था। बाय द वे अभी हमारी ट्रेन एक नंबर प्लेटफॉर्म में आ ही रही है। चलो, ये ट्रेन निकल रही है अपनी महानगरी एक्सप्रेस, एंड फिर अपनी ट्रेन लगेगी, अपन बैठते हैं एंड फिर चलते हैं। और बिट्टू और राज यहाँ बैठे हैं। 5:30 बजे 13 नंबर को पहुँचाएगी छिंदवाड़ा। अभी चल ही रही है स्लोली स्लोली। क्या सर सफ़र रहता है, कैसी अपनी जर्नी रहती है, सब आप लोग को बताते हैं, एंड सफ़र अच्छा रहेगा या बुरा। तो अभी हम लोग बाहर आए थे जायज़ा लेने की, ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। तो ये अपना लगेज बॉक्स है छोटा सा, पीयूष और मैं आए हैं। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है रेलवे लाइन का ही कुछ काम चल रहा होगा। पता नहीं ट्रेन क्यों नहीं चल रही, बहुत काफ़ी टाइम हो गया यार, बहुत देर से खड़ी है गढ़ा स्टेशन पर। काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और ट्रेन जाने का नाम ही नहीं ले रही है। हम लोग नीचे घूम आए, नीचे से ऊपर आ गए, ऊपर से अब आके फिर खड़े हो गए, मगर ट्रेन जाने का नाम ही नहीं ले रही भाई। आई डोंट नो कि अभी कहाँ पहुँच गया है, बट मेरे को आ रही है बहुत तेज नींद, एंड सीट पे बैठ के सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट सबको। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग छिंदवाड़ा पहुँच गए हैं। करीब 5:30 बज रहे हैं और हम लोग छिंदवाड़ा में पहुँचे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टेशन में आया हूँ छिंदवाड़ा जंक्शन में। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अपन को लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो वैसे एक्चुअली मेरे को देख के लग रहा है कि अपन को लेफ्ट जाना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सपने देखने का टाइम ही नहीं मिला यार, नींद इतनी टूटी फूटी सी आई। और यार मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी सफ़र करते हैं कि मोबाइल पे गाना थोड़ी स्लो करके सुनो यार, क्योंकि क्या है कि इतनी रात में, रात के 10, 12, 2 बजे लोग सोते हैं, लोगों को नींद आती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर सफ़र करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो बाकी लोगों को सोने दीजिए। आपको अगर गाना सुनना है तो प्लीज़ हैंड फ्री लगा लीजिए, सबसे रिक्वेस्ट है। देन अब हम लोग स्टेशन के बाहर आ गए हैं, अब चलते हैं चाय पी लेते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं। तो अपन एक दुकान में आए हैं अभी चाय पीने, ये है, आ जाओ चाय पीते हैं, आए हैं चाय पीने। तो पीयूष लोग बोला कि चाय बड़ी अच्छी है, तो अभी अपन भी चाय पी के देखते हैं, अपन ने पिए नहीं है। पीयूष लोगों ने पिए तो उन लोग बताए कि चाय अच्छी है, चलो देखते हैं अपन पी के। अच्छी है, ठीक ठाक है, मीठी ज़्यादा है। भाई जी कहाँ से आ रहे हो? जबलपुर। जबलपुर से आ रहे हो, धन्यवाद। जय माता दी। अभी हम लोग छिंदवाड़ा में बहुत प्यारे से पार्क में आए हैं, जिसमें दो साइड तालाब है। फर्स्ट तो ये तालाब है एंड सेकंड यहाँ पे तालाब है, एंड इतना प्यारा भाई। अभी तो धूप नहीं निकली है, तो धूप निकलने के बाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा व्यू होगा। ये बहुत प्यारा सा है, यहाँ फूल लगे हैं बहुत अच्छे अच्छे। अभी हम लोग गलियों से होते हुए धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। बस थोड़ा सा और पास है, करीब 800 या 900 मीटर दूर है। तो हम लोग धीरे धीरे पैदल पैदल जा रहे हैं रास्तों से। तो बस तो हमें मिल गई है, ये करीब हमें 10:30-11 बजे तक हमें पिछुआ पहुँचा देगी। अपन बैठे थे इसमें 7 बजे करीब बस में आने के अंदर के बाद, तो फिर आप लोग वो देख लेना है ना, जो शायद चल रहे होंगे है ना। एंड अपन धीरे धीरे अभी निकल रहे हैं, अभी से मरिया पड़ेगा, अमरा नाला पड़ेगा भाई, यहाँ का पूरा इलाका तो हिल स्टेशन बन रखा है। बिल्कुल ठंडी ठंडी आवाज़ चल रही है, कोहरा ही कोहरा है और पूरे बादल ही बादल छाए हैं। अभी हल्की नज़र आई थी, उसके बाद तो पूरा ठंडा मौसम है यहाँ पे। देखो आज धूप निकलती है कि नहीं। तो हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं घर, यहाँ से थोड़ी सी दूर में है। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर आर्टिस्ट राज के साथ।